इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे यूनियन बैंक की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें हम इसे एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट करने के बाद सिम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, SMS सेंडिंग होता है, वेरीफाई होता है, बट इस तरीके से लिखा हुआ आता है हमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, फीचर आर नॉट अवेलेबल ओनली फॉर यूनियन बैंक कस्टमर्स, तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप जो सिम को सिलेक्ट कर रहे हैं वो ढंग से चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में डला हुआ है या नहीं। अब आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप उसके कस्टमर हैं, आपने ब्रांच में उसके अकाउंट खुलवा रखा है एंड आपने इसी वाले सिम को उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी वोडाफोन इन, ये जो भी नंबर है, जो भी सिम है जिस पर आपने ये नाम डाल रखा है, एक्चुअली में वो नंबर आपके बैंक से रजिस्टर्ड रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो बैंक से रजिस्टर्ड है तो तभी वो यहाँ पर लग पाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं लग पाएगा। आप जब भी यहाँ पर टिक करेंगे, इसको मान लीजिए टिक कर दिया, ये इससे रजिस्टर्ड नहीं है, बैंक में ये नंबर नहीं है, तो ये इसी तरीके से दिखाएगा कि आप जो है बैंक के कस्टमर नहीं हैं और आपके ये कस्टमर जो है ये जो है ये अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसका रहता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आ गया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।